यूपी में एक क्रेज है, एक ट्रेंड है कि डीएम का काफिला जा रहा है, डीएम की गाड़ियां जा रही हैं, और एक तरह से तो आप बता सकते हैं लाइक व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन? राइट टाइम टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन इज बिटवीन द अब इंसान बच्चा हमारा काम करेगा या पेपरों की तैयारी करेगा, कल तो मुझे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोजेक्ट होते हैं, लिखने का काम इतना दे देते हैं कि सांस नहीं मिलता। पिछले साल इसने नाइन्थ में यही काम करा था कि कॉपी पूरी करने के चक्कर में याद करना भूल गया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आप सभी बच्चे अपने घर को छोड़ के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आपको ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का ऐसे फेस करना पड़ता है? थोड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे कि रूम ना मिलना, पीजी की नॉन अवेलेबिलिटी, तो ये सब मतलब इशू आता है। कपड़े वगैरह धोना तो पहले तो घर पे मम्मियाँ करती थी, अब अकेले सब करना। हाँ जी, वैसे कोई फाइनेंशियल इशू नहीं आता? काफी फेमस है और सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने ये योजना भी चलाई थी कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम पास करता है तो मेंस वो फ्री गाइडेंस देंगे, इंटरव्यू का गाइडेंस देंगे, तो इसकी वजह से काफी बच्चे आए। यूपीएससी के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे फादर हैं, लाइक कई दिन पुलिस सर्विसेज, तो एक पुलिस डिपार्टमेंट में लाइक सीनियर का जो रिस्पेक्ट होती है वो देख के मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब लाइक मोटिवेटेड रहता हूँ। लाइक उनके लिखने का ही काम, 9-9 बजे तक बच्चों को फोन पे काम देते हो, सबसे पहले बात तो नहीं कहती फोन पे काम क्यों दे रहे हो? कोविड के बाद से क्यों फोन पे तुमने लगा रखा है, क्यों आंखें कितनी कमजोर हो जाती है फोन देखते देखते? एनटीए होना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कुछ बोर्ड बनाए या चेयर पर्सन ऐसा कुछ रखें कि मतलब सर्कल में काम हो। अभी जैसे स्कैम हुआ है नीट का, तो इससे थोड़ा लाइक मोरल डाउन होता है कि लाइक नीट के पेपर्स अगर लीक हो सकते हैं तो यूपीएससी के भी इन फ्यूचर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ सकता है? जैसे आपके 2 साल हो गए तो फिर आप भी अभी यही? मेरा बिजनेस है ना, मेरा चांदनी चौक पे बिजनेस है, तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एग्जाम दिया आपने? दिया, यूपीएससी का दिया था, लेकिन मेरा क्लासेस वगैरह बंक की है? नहीं, क्लासेस वगैरह बंक नहीं की, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। हाँ, लेकिन दिखाई नहीं देता केजरीवाल को डर है, क्यों? क्योंकि ये देखो जब बारिश होती है पानी निकलता, कोई डैम की पानी की इकट्ठा करने की कोई नहीं रखता, हर साल दिल्ली के अंदर रहती है पानी गया। क्लासेस वगैरह बंक करते हो? सारा करप्शन है, किस लिए जेल में? इसी वजह से है, अगर ये कुछ तुम 2 पैसे खा लो, 4 लगा दो तो कहाँ जाएगा, लगेगा सही तुमने कुछ काम करा है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ऐसे होती है? पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे, और आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर में, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के स्टूडेंट से, उनसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ये पूछने के लिए। तो आइए पूछते हैं, आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हूँ, मेरा नाम करुणाकर तिवारी है। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं पिछले 2 साल से। तो आपको ये यूपीएससी की मोटिवेशन कहाँ से मिली? यूपी में एक क्रेज है, एक ट्रेंड है कि डीएम का काफिला जा रहा है, डीएम की गाड़ियां जा रही हैं, और एक तरह से उस क्रेज की वजह से काफी लड़के बाहर निकलते हैं, भागते हैं दिल्ली की तरफ, फिर मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, कहते हैं कि हाँ तैयारी करते हैं। एक विकास सर हैं जो हिंदी माध्यम को लेकर काफी फेमस हैं और सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने ये योजना भी चलाई थी कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम पास करता है तो मेंस वो फ्री गाइडेंस देंगे, इंटरव्यू का गाइडेंस देंगे, तो इसकी वजह से काफी बच्चे आए और जालसाज में फंस गए, आज निकल नहीं पाए, उनकी उम्र भी चली गई, और उसके बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, और आज इसी दलदल में फंसे रहे। मुझे लगता है कि तैयारी करना चाहिए, लेकिन 1-2 साल, और उसके बाद में पार्ट टाइम कोई भी प्लान लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर डिपेंड रहे कि मुझे यूपीएससी ही। और जैसे आपके 2 साल हो गए तो फिर आप भी अभी यही? तो मेरा बिजनेस है ना, मेरा चांदनी चौक पे बिजनेस है। अच्छा। तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एग्जाम दिया आपने? हाँ, दिया, यूपीएससी का दिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट था, हुआ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मोस्टली नहीं होता, तो ऐसे लाइक मोरल डाउन हुआ थोड़ा सा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, और ना फैमिली में कोई इतना प्रेशर है कि होना ही है। जैसे फैमिली वाले मेरे कह रहे हैं कि अगर होगा तो बेटर है, नहीं होगा तो अपना बिजनेस संभाल देखेंगे। बाकी आपका ये प्लान भी है? प्लान भी नहीं, मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा शौक है। बाकी क्या है? मायसेल्फ अमन, अमन गिरी। कहाँ से आप? लखनऊ। लखनऊ, तो यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग मैंने करोलबाग से लिया है।
तो आप बता सकते हैं लाइक व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन? राइट टाइम टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन इज बिटवीन द ग्रेजुएशन। आई थिंक यू शुड स्टडी द एनसीईआरटीज एंड आप फोकस कर सकते हैं बाकी सब रिसोर्सेज से। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, कोई अच्छा गाइडेंस वाला हो, उससे आप मतलब बहुत हेल्प हो जाती है आपकी। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करते हैं उसके बाद फिर आपको एक पाथ मिल जाता है, एक क्लियर पाथ मिल जाता है, उसके थ्रू आप अच्छे से अपने मोटिवेटेड रह के एक अच्छी गाइडेंस से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे किसी से मोटिवेशन लेके आपने यूपीएससी स्टार्ट की कि लाइक स्टार्टिंग से ही आपका लाइक था कि मुझे यूपीएससी करना? यूपीएससी के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे फादर हैं, लाइक ही इज इन पुलिस सर्विसेज। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट में लाइक सीनियर का जो रिस्पेक्ट होती है वो देख के मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब लाइक मोटिवेटेड रहता हूँ। लाइक उनके लाइक हायर पोस्ट पे जो ऑफिसर से उनसे बात की मैंने, तो उसके थ्रू मैं सर्विस ले जाना चाहता हूँ पुलिस। तो मतलब पेरेंट्स का काफी सपोर्ट है आपके? हाँ, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है हर चीज, मतलब लाइक पेरेंट्स भी डेली पूछते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मेंटल प्रेशर या फिजिकल प्रेशर कोई, सब ठीक है। अभी क्लासेस वगैरह बंक की है? नहीं, क्लासेस वगैरह बंक नहीं की, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। हाँ, लेकिन मस्ती करता हूँ, मस्ती पढ़ाई के साथ मस्ती फुल चलती है। लाइक बंक कभी ऐसे क्लासेस वगैरह नहीं की? आपके हिसाब से मतलब आपको ऐसी कौन सी चीजें तो डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई से? पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट लाइक सोशल मीडिया, एक स्क्रोलिंग वाला एक हैबिट है जो स्क्रोलिंग वाला, उसमें टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। और लाइक छोटे मोटे काम तो ऐसे लगे रहते हैं, लाइक घर जाना पड़ा कभी तो फ्लो ब्रेक हो जाता है ऐसे। बाकी तो मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहने में सब चलता है सब ऐसे। ओके, थैंक यू अमन। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम कविता शर्मा है, लक्ष्मीनगर में। लक्ष्मीनगर में आपके बेटा कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में, तो जैसे इस साल इनके बोर्ड होंगे तो मतलब आपको लगता है कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, कौन सी स्ट्रीम करेंगे? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, क्या? वैसे तो ये कॉमर्स कह रहा था, कॉमर्स साइंस कह रहा है। अच्छा, तो अब प्रेशर तो काफी रहता ही है देखो, पढ़ाई का, ट्यूशन का रहता है। पहले तो ये देखो कि अच्छी ट्यूशन कहाँ मिलेगी, क्योंकि स्कूल का काम ही होता है, घर घर काम भेजते रहते हैं। अब इंसान बच्चा तुम्हारा काम करेगा या पेपरों की तैयारी करेगा, कल तो मुझे ही बता दो। प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोजेक्ट होते हैं, लिखने का काम इतना दे देते हैं कि सांस नहीं मिलता। पिछले साल इसने 9th में यही काम करा था कि कॉपी पूरी करने के चक्कर में याद करना भूल गया, उसकी वजह से नंबर कम आए। काम इस हिसाब से दो कि बच्चा अपना याद भी करता रहे। कैसे टाइम निकालेगा, 3 बजे स्कूल से घर आएगा, 1 घंटा तो बच्चे को चाहिए नहीं चाहिए, खाएगा ना, खाना खाना पीना जो भी है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। लिखने का ही काम 9-9 बजे तक बच्चों को फोन पे काम देते हो। सबसे पहले बात तो मैं कहती, फोन पे काम क्यों दे रहे हो? कोविड के बाद से क्यों फोन पे तुमने लगा रखा है? क्यों आंखें कितनी कमजोर हो जाती है फोन देखते देखते, 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं फोन से ही करके देख के काम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है फोन पे काम देने का? प्रेशर स्कूल में किस लिए भेजते हैं बच्चों को, बताओ मेरे को। ये तो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। हम ये सोचते हैं बच्चों को कि फोन नहीं देना चाहिए, बिना फोन के काम करें, बिना फोन के काम करें। आंखें जल्दी चश्मे क्यों लग रहे हैं, इसीलिए लग रहे हैं? पहले आपकी सिंगल चाइल्ड है? नहीं, मेरे 2 बच्चे और हैं, उनका भी फोन पे आता है। अच्छा, तो कौन सी क्लासेस में? 1 5th क्लास में, 1 8th क्लास में। सनलाइट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, ये लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। अब इसका रीजन बताओ हम क्या करें, कंप्लेंट करें क्या करें? वैसे तो एजुकेशन से बहुत ज्यादा आपकी शिकायतें होंगी। बहुत ज्यादा है प्राइवेट स्कूल में। एक बात बताओ, स्कूल में किस लिए भेजते हैं बच्चे? अब स्कूल का काम, होमवर्क में डायरी भी खाली क्यों पड़ी रहती है? डायरी का कोई काम ही नहीं है 9th क्लास के अंदर, फोनों पे काम भेज देते हो, 9 बजे काम भेज रहे हो, भाई बच्चा कब सोएगा, याद कब करेगा? तो बच्चों के नंबर कम नहीं आएंगे, हमारा प्रेशर रहता है अच्छे नंबर आने चाहिए, 80% आने चाहिए, 90% आने चाहिए, 95 आने चाहिए, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? तो ऐसे आप बच्चों को कंपेयर करते रिलेटिव के बच्चों से? नहीं, ऐसे रिलेटिव हम कंपेयर नहीं करते, हम ये कहते हैं अच्छे नंबर लाना जो कि किसी को बताए तो अच्छा लगे। इतने कम भी नहीं लाओ कि बिल्कुल ही खराब नंबर, आगे भी जाओगे तो वो जिंदगी में होगी। तो ये कहते हैं बच्चे अच्छे पैसे, क्योंकि आजकल जहाँ अधिकतर क्या सुन रहे हैं, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, घर से निकल गए, यही सुनते जाकर 10th के 12th के रिजल्ट में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी को आगे जाके जॉब मिलती है, वो भी इन्हीं के बेस पे मिलती है। आप भी पढ़े लिखे हो, आपने भी दिखाए होंगे क्या करा है क्या नहीं करा, ये वजह है। तो ऐसे मतलब फीस का भी प्रेशर रहता है, आपको लगता है फीस बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, आपके तो 3-3 बच्चे तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, नौकरी पैसे वाला कहाँ से करेगा? अच्छे स्कूल
अब क्या करें, ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस 5-5 हजार रूपए, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो अलग चीज, क्या कर सकते। कोई गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है जो कि रीजनेबल फीस हो। गवर्नमेंट के स्कूल में घुसोगे, दादू पैलेस का स्कूल है, कहते सबसे बेकार स्कूल है लड़कों के लिए, सबसे बिगड़ा हुआ स्कूल कोई है तो ये दादू पैलेस कहते हैं, सुनने में है। मेरे तो किसी को कराया नहीं है कभी, मेरे तो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ऐसे भी है, करते हैं इनके लिए अरेंजमेंट, मजबूरी है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है तो देने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ है एजुकेशन मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट के लिए जो आप बताना चाहोगे कि नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही चाहती हूँ मैं तो, कि हर कोई इंसान ये चाहता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े बच्चे हमारे, अच्छी एजुकेशन मिले, गरीब का बच्चा हो कोई भी हो, मतलब एवर सबके लिए कोई ऐसे स्कूल बनाओ जो कि रीजनेबल फीस हो, हर कोई अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सके, स्कूल अच्छा हो। तो मैं तो यही है, देखो हर माँ के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आप सब भी बच्चे अपने घर को छोड़ के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आपको ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का ऐसे फेस करना पड़ता है? जैसे प्रॉब्लम तो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि जैसे एज अ स्टूडेंट क्योंकि प्रिपरेशन करते करते जब थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है तो चारों तरफ से प्रेशर बनने लगता है, और एक टाइम के बाद ये लगता है कि घर से पैसे लें ना लें, और भी तैयारियां हैं, जैसे अपने पे भी सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, और यहाँ रहना खाना हर चीज मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है चल रहा है, उसमें सब मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक्चुअली मेरा तो घर ही यही है, तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा जैसी प्रॉब्लम नहीं आता जी, बाकी एज कम्पेयर टू मेरे फ्रेंड्स जहाँ रहते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रूम ना मिलना, पीजी की नॉन अवेलेबिलिटी, तो ये सब मतलब इशू आता है। कपड़े वगैरह धोना तो पहले तो घर पे मम्मियाँ करती थी, अब अकेले सब करना पड़ता। हाँ जी, तो ऐसे कोई फाइनेंशियल इशू नहीं आता? लाइक आप भले ही यहाँ पे रहते हैं बट कोई ऐसे आपको नहीं लगता कोई फाइनेंशियल इशू? हाँ हो सकता है, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, तब थोड़ा लगता है कि हाँ भी हमें भी थोड़ा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन फिर ये लगता है कि मतलब पॉजिटिव रहते हैं हम कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा तो सब प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की। तो क्या आपके हिसाब से मतलब ये एनटीए को हटा देना चाहिए, मतलब जो ये पेपर्स वगैरह लीक हो रहे हैं इनके हिसाब से? नहीं, एनटीए मेरे हिसाब से मुझे लगता है एनटीए को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर एनटीए को हटा देंगे तो फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं ना, ऑप्शन एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एनटीए होना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कुछ बोर्ड बनाए या चेयर पर्सन ऐसा कुछ रखें कि मतलब सर्कल में काम हो, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अकाउंटेबल हो, तो वो चीज़ें रहनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी ना, इसकी वजह से हम मतलब और अच्छे से पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है उसको समस्या को दूर कर पाए। ओके ओके, तो आप यहीं दिल्ली से ही हैं? हाँ। ओके ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? माही। आपका? कालची। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11। सेम स्कूल? ओके, तो अभी 11th में कौन सी स्ट्रीम ली आपने? आर्ट्स, कॉमर्स। तो अभी 11th 12th इसके बाद क्या करना है? सोच रहे एमबीए पर्सू करूं। आप? यूपीएससी। यूपीएससी तो लाइक आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली यूपीएससी करने की? इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते यूपीएससी आ गया, सो आई वांट द मोटिवेशन। जस्ट लाइक इंस्टा पे स्क्रॉल तो फिर वो थोड़ा मोटिवेशन आ गया। अभी लाइक प्रॉपर यूपीएससी करना है या फिर लाइक सोच के ऐसे नॉर्मली? प्रॉपर यूपीएससी करना है। तो लक्ष्मी नगर से प्रिपरेशन करनी है? लक्ष्मी नगर से नहीं, यूपीएससी बेस्ट इंस्टीट्यूट से थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर करना। अभी जैसे स्कैम हुआ है नीट का, तो इससे थोड़ा लाइक मोराल डाउन होता है कि लाइक नीट के पेपर्स अगर लीक हो सकते हैं तो यूपीएससी के भी इन फ्यूचर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ सकता है? ज्यादा माइंडसेट थोड़ा सेट नहीं किया हुआ, पर हो गए तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे, इतना मोराल डाउन नहीं हुआ। एजुकेशन लाइक एजुकेशन से कोई थोड़ा मतलब आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट। एजुकेशन से कोई आप लोगों को लाइक प्रॉब्लम फेस वगैरह होती है? डायरेक्टली हमें एक सब्जेक्ट में 30 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है स्टूडेंट्स में, वो हैंडल नहीं कर पा रहे, प्रेशर टाइप होता है, तो बच्चे तब भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं।
मतलब आप लोग जैसे अगर डिप्रेस वगैरह होते हो, मार्क्स वगैरह कम आते हैं एग्जाम्स में, तो क्या करते हो आप लोग? लाइक इतना स्ट्रेस हम नहीं होते, वी आर लाइक कूल तो हम इतना वो फोकस करते हैं। अगर ऐसा होता है कि ज्यादा एडी हो गया फिर डिप्रेशन की ज्यादा पढ़ाई का साइड रखते हैं, हमें जो हैबिट्स है उनका। क्लासेस वगैरह बंक करते हो? हाँ थोड़ी बहुत अभी कर लेते हैं। क्लासेस एक बैक टू बैक होती है तो कर नहीं पाते, एक तो थैंक यू सो मच।